नमस्कार। कोरोना वायरस के बीच असाधारण तरीके से ओलंपिक खेलों का समापन हो गया। रंगीन रोशनी के फवारों के बीच 8 अगस्त को क्लोजिंग सेरेमनी में नाच गाना और खुशियां मनाना सब हुआ। उसके बाद आगे बढ़ने के संदेश के साथ ओलंपिक ध्वज पेरिस को सौंप दिया गया, जहां अगले ओलंपिक खेल 3 साल बाद आयोजित किए जाएंगे। टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके ने ओलंपिक ध्वज बाक को सौंपा, जिन्होंने इसे पेरिस के मेयर एने हिडाल्गो के सुपुर्द किया। अपने संगी साथियों और दर्शकों के बिना टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी अभी से पेरिस ओलंपिक की कल्पना करने लग गए हैं। उसके बाद जैसे ही ओलंपिक का झंडा फ्रांस पहुंचा, पूरे फ्रांस में जश्न का माहौल हो गया और फ्रांस की पहचान आईफिल टावर पर लोग जुटे और पेरिस ओलंपिक को लेकर जश्न मनाया। इसके साथ साथ फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल ने आईफिल टावर के ऊपर से उड़ान भरी। जब लड़ाकू विमान आईफिल टावर से उड़े तो एक सिंक्रोनाइज तरीके से घूमे, जिसमें 8 लड़ाकू विमान शामिल हुए। जब राफेल लड़ाकू विमान गुजरे तो लोगों ने जमकर तालियां बजाई और खुशी का इजहार किया। फ्रांसीसी लोगों के हाथों में फ्रांस का झंडा था और लोग ताली बजा रहे थे। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका सबसे ज्यादा गोल्ड जीतकर पहले स्थान पर रहा। अमेरिका ने 39 गोल्ड, 41 सिल्वर, 33 कांस्य के साथ कुल 113 मेडल हासिल किए। दूसरे नंबर पर चीन रहा, जिसने 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 कांस्य पदक के साथ कुल 88 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर कब्जा जमाने में सफलता हासिल की। तो मेजबान जापान ने 27 गोल्ड, 14 रजत, 17 कांस्य के साथ कुल 58 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। टोक्यो ओलंपिक उम्मीद, एकजुटता और शांति का प्रतीक था। इन खेलों में लोग भावनाओं से जुड़े थे, वो खुशी और प्रेरणा के पलों को साझा कर रहे थे। ये ओलंपिक हमें भविष्य में भरोसा देता है। जापान का ध्वज 68,000 दर्शकों की क्षमता वाले नेशनल स्टेडियम में फहराया गया, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण दर्शकों की कमी। उद्घाटन समारोह में जहां खिलाड़ी फॉर्मल पोशाक पहने थे, तो वहीं समापन समारोह उनके लिए लुत्फ उठाने और रिलैक्स होने का मौका था। काफी बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंचे और वो अपने मोबाइल फोन से इस क्षण को कैद कर रहे थे और उम्मीद लगाई कि 2024 में परिस्थितियां पूरी तरह से बदली, उन्हें ओलंपिक माहौल में खुलकर जीने की छूट मिलेगी। कोविड की वजह से खिलाड़ियों को खाली स्टेडियम्स में खेलना पड़ा और जापान में कहीं भी घूमने नहीं दिया गया। यही वजह है कि खिलाड़ी अभी से पेरिस ओलंपिक के सपने देखने लग गए हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि अगले ओलंपिक का काउंटडाउन शुरू हो गया है और फ्रांस में जश्न का माहौल है। इस बार ओलंपिक में 4 खेल पहली बार शामिल किए गए हैं और 339 गोल पर खिलाड़ियों ने दांव लगाया है। जो खेल इस बार शामिल किए गए हैं वो खेल पेरिस ओलंपिक में शामिल रहेंगे। तो अब खेलों के महाकुंभ ओलंपिक पेरिस में 3 साल बाद आयोजित होगा और सभी खिलाड़ी पेरिस में मिलेंगे।